हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो है वो एक समस्या आ गई है। तो समस्या क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अब दोस्तों क्या मामला है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से जो है वो 20 मिनट पहले जो है वो फ्लाइट पहुंच गई। ठीक है, दिल्ली से आए यात्रियों को टैक्सी के लिए भटकना पड़ा। यानी कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर जो है वो शहरों तक जाने के लिए कोई अभी व्यवस्था नहीं की गई है। स्पाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली से आए यात्री अपने घर को जाने के लिए टैक्सी के लिए परेशान हुए। टैक्सी के लिए यात्रियों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। कई यात्रियों ने तो मजबूरन पैदल ही चलकर जो है वो कस्या शहर तक पहुंचे। 20 मिनट पहले जो आई फ्लाइट जो है वो दिल्ली से आई स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो निर्धारित समय से 20 मिनट पहले जो है वो कुशीनगर इंटरनेशनल पर आई। 1:30 पर के बजाय जो है वो 1:10 पर जो है वो फ्लाइट जो है वो लैंड की। दिल्ली के लिए टेक ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट पहले जो है वो टेक ऑफ कर ली। सोमवार को भी दिल्ली से कुशीनगर व कुशीनगर से दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट है वो दोनों तरह की जो सीटें हैं वो फुल देखने को मिली। स्टेशन मैनेजर कफील खरे ने इसका कारण मौसम जो है वो बेहद साफ बताया। इसके लिए जो है वो फ्लाइट में कोई देरी नहीं हो रही है। यात्रियों ने एयरपोर्ट से शहर के लिए ई रिक्शा, टेम्पो आदि संचालित किए जाने की मांग की। एयरपोर्ट पर सोमवार को जो है स्पाइस जेट की दिल्ली से आई तीसरी फ्लाइट थी। ठीक है, और यात्रियों में ज़्यादातर दूर दराज बिहार, विशेषतर जो है वो बिहार के जनपद गोपालगंज, सिवान, छपरा जिलों के जो है वो ज़्यादा यात्री थे। कई सारे यात्रियों के परिजन वो टैक्सी या निजी वाहन लेकर उन्हें रिसीव करने आए थे, परंतु कुछ यात्रियों को जो है वो टैक्सी रिजर्व व घरों तक जाने के लिए कुछ मतलब कि सेवा नहीं था। यात्री एक घंटा मरकशत के बाद जो है वो टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर टैक्सी का इंतजार करते सिवान के रहने वाले ईशा व उनकी पत्नी तबसुम खातून मिले। अहमदाबाद में इनका कारोबार है। बाया दिल्ली होकर कुशीनगर आए थे। दंपति से बातचीत के बाद एयरपोर्ट को उड़ान की खुशी उन्होंने जाहिर की, लेकिन जो है वो अभी यात्रियों के लिए सुविधा नहीं बढ़ाया गया, इसलिए उन्होंने थोड़ा नाराजगी मतलब। अब दोस्तों बता दें कि ये रहा तो कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लाइटें जो है वो तीसरी फ्लाइट जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट पर कल आई थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ही जल्द अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी समय का कोई भी निर्धारण नहीं हुआ है कि कितना समय लग सकता है। हालांकि दोस्तों कि बहुत ही जल्द हुआ है वो कुशीनगर एयरपोर्ट से जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुशीनगर एयरपोर्ट से विदेश जाने के लिए टिकट बुकिंग हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कोई भी टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। आप सभी झांसी में मत पड़िएगा, जैसे ही कुशीनगर एयरपोर्ट से बड़ी न्यूज़ निकल कर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट पर आना तो आप तो डायरेक्ट कुशीनगर एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली और मतलब पहले आप दिल्ली आइए और दिल्ली से आप कुशीनगर आ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, जो कि हफ्ते में 4 दिन जो है वो फ्लाइट दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली के लिए जाएगी। दोस्तों इस तरह से जो है वो आप भी कुशीनगर एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। अगर आप भी का भी जो सपना है वो कुशीनगर एयरपोर्ट पर आना है तो आप जो है वो आ सकते हो। बाकी दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में जो भी न्यूज़ निकल कर आएगा मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।